हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में जिसमें हम आज डाउनलोड करने वाले हैं स्ट्रे, जो कि एक कैट गेम है जिसके अंदर हमें कैट की लाइफ जीनी होती है। बेसिकली ये गेम पीसी के लिए बनी है, बट कुछ जुगाड़ लगा के या फिर कुछ ऐप डाउनलोड करके मैंने ये गेम अपने मोबाइल में चलाई है। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये आप अपने फ़ोन में कैसे चला सकते हो। वैसे इस गेम की साइज़ आई थिंक 6.4 GB है, जो कि अपने फ़ोन में सपोर्टेड नहीं है, बट कुछ तो जुगाड़ कर सकते हैं अपने। तो ये वीडियो कोई फेक नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल फ़ोन में चल रही है, आपके सामने स्क्रीन चल रहा है, आप देख सकते हो। तो जो ट्रिक मैं बताऊँगा वैसे वैसे फॉलो करना, तो आप भी ये चीज़ खेल सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पे, जिसके अंदर हमको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके हमको लिखना है चिंकी। चिंकी करके लिखेंगे तो एक ऐप आएगा जिसके ऊपर आप देख इस होम स्क्रीन पे देख सकते हो, चिंकी करके, जिसको आपको इंस्टॉल करना है। मैं तो पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टॉल कर लेना एंड देन ओपन कर लेना, जहाँ पे हो आपका सर्च करके ओपन कर लेना। देन ये इंटरफेस आएगा, इसके बाद आपको लॉगिन का, या फिर आप गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से, पर मेरा तो सीधा आ गया है, तो आपको जैसा करना हो वैसा आप कर सकते हो। देन देखो इसके अंदर GTA भी है, स्ट्रे नीचे है क्योंकि मैंने खेली हुई है, तो पहले से रिसेंट में आ रही है। बट आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखा है, उसमें सर्च में क्लिक करना है और देन स्ट्रे लिखना है। स्ट्रे करके जैसे ही आप लिखोगे तो स्ट्रे का लोगो आ जाएगा, तो स्ट्रे की गेम आ जाएगी। देन आप एंटर कर सकते हो, देन ऊपर देख सकते हो आप प्ले करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे प्ले पे क्लिक करें तो नीचे को प्ले का बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना होता है एंड देन बस 15-13 मिनट वेट करने का तो आपको और गेम चालू हो जाएगी। जैसे ये जो मिनट बता रहे हैं, 13 मिनट बता रहे, आई थिंक वो 13 मिनट ख़त्म होंगे, वैसे ही आपको एंटर का ऑप्शन आएगा। देन एंटर करके आप गेम खेल सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि गेम का इंटरफेस कैसे आता है। जैसे ही मिनट ख़त्म होंगे वैसे ही आप गेम में एंटर हो जाओगे। एंटर करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा एंड देन स्टार्ट गेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप स्टार्ट गेम पे स्टार्ट क्लिक करोगे देन न्यू गेम का ऑप्शन आएगा, देन स्टार्ट करके आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि हमारी गेम चालू हो चुकी है, जो कि आपको पता ही है ये टेक्नो गेमर ने एंड देन अदर यूट्यूबर्स ने खेलना चालू कर दिया है। तो अगर आपको गेमें अच्छी लगती है तो आप ज़रूर खेलना, ट्राई ज़रूर करना। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।